नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। दिन भर की 10 बड़ी खबर। जम्मू के नगरोटा हाईवे पर मिली IED, पुंछ में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। सरोड टोल पर धारा 144 लागू, 30 हिरासत। जम्मू कश्मीर के लोगों के छूटे पसीने। LG मनोज सिन्हा ने कहा, भूमिहीन को जमीन देने के विरोधी 50,000 लोगों के मौत के जिम्मेदार। खावे वाली माता के दर्शन के लिए पहुंचे यादव परिवार। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर वैज्ञानिक आश्वस्त। अब नए रंग रूप में चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 15 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। जेल में बंद बीमार रोहिंग्या महिला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के नगरोटा हाईवे पर एक IED बरामद हुई है और ये IED, आपको बता दें, नगरोटा के पंजग्राई इलाके के पास मिली एक लिफाफे में थी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस IED को इसलिए वहां पर रखा गया था क्योंकि वहां से सुरक्षा बलों का काफिला निकलना था या फिर अमरनाथ यात्रियों को इस IED के जरिए निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन सुरक्षा एजेंसी और नगरोटा पुलिस की मदद से इस IED को निष्क्रिय कर दिया गया है। जम्मू संभाग के सीमावर्ती इलाके पुंछ के बालाकोट सेक्टर में LOC पर घुसपैठ करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है और भारी मात्रा में इनके पास हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक AK-47, 2 मैगजीन, 30 राउंड और हथगोले भी थे। जम्मू में सरोड क्षेत्र में टोल प्लाजा को बंद करने के लिए युवा राजपूत सभा की तरफ से एक आंदोलन शुरू किया गया था। लोगों ने भी इसका समर्थन पुरजोर तरीके से किया गया। प्रशासन ने रात 10 बजे धारा 144 वहां पर लागू कर दी और धरने से ना उठने पर 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जम्मू के लोग हुए गर्मी और उमस से परेशान। वहीं घाटी में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। वहीं आपको बता दें कि पारा जो है 34 डिग्री तक रहा है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने 25 अगस्त तक जम्मू के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, भूमिहीन नीति के विरोध करने वाले लोग 50,000 लोगों की मौत के होंगे जिम्मेवार। ये बात उन्होंने सुशासन के साथ मेरी पंचायत पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकाल के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी और बेटे तेज प्रताप के साथ मीरगंज पहुंचे। वहां उन्होंने स्वर्गीय माँ मरधरिया देवी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गांव में स्थित पंच मंदिर में भी पूजा की। भारत में चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की इस समय नजरें टिकी हुई हैं। चंद्रयान 2 में हुई गलतियों से सीख लेकर चंद्रयान 3 मिशन तैयार किया गया है और पूरा भरोसा है कि चंद्रयान 3 मिशन लैंडर चांद के स्तर पर सफलतापूर्वक उतरेगा। अब नए रंग रूप में पटरी पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। इस नई नवेली ट्रेन का ट्रायल 19 अगस्त को लिया गया था। इस ट्रेन में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि बेहतर सीट्स, सुरक्षा व्यवस्था, आरामदायक सीटें समेत 25 नए बदलाव किए गए हैं। हैदराबाद में बाहरी राज्यों से आई 15 साल की लड़की के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया। इस पर विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग जताई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रोहिंग्या समुदाय की महिला को जल्द से जल्द इलाज प्रदान किया जाए। मुख्य समाचार एक बार फिर से। जम्मू के नगरोटा हाईवे पर मिली IED, पुंछ में घुसपैठ करने की कोशिश हुई नाकाम। सरोर टोल पर धारा 144 लगाई गई, 30 हिरासत में। जम्मू कश्मीर के लोग हुए गर्मी से परेशान। भूमिहीन को जमीन देने के विरोधी 50,000 लोगों की मौत के जिम्मेवार, ऐसा LG मनोज सिन्हा ने कहा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।